प्रज्ञ गुरुवे सिद्ध सेन पार्श्व की अर्थ पार्श्व की स्तुति कर रहे हैं और स्तुति के प्रारंभ में नमस्कार और नमस्कार भी चरणों को चरणों को नमस्कार अब चरण को नमस्कार पैरों को नमस्कार क्यों उसका कारण उन्होंने बतलाया है कि चरण कैसे हैं मैं क्यों नमस्कार कर रहा हूँ चरणों को पैरों को नमस्कार क्यों कर रहा हूँ कि वे पैर कल्याण मंदिरम कल्याण के मंदिर है कोई भी व्यक्ति समझदार व्यक्ति कोई काम करता है तो उसके पीछे कोई न कोई हेतु होता है कारण होता है विशेषता होती है बिना विशेषता के कोई काम नहीं करता तो मैं पैरों को अंग ही पद्म को नमस्कार क्यों कर रहा हूँ कि उनका वह अंग ही पद्म चरण कमल कल्याण का मंदिर है पहली बात हर आदमी कल्याण चाहता है कल्याण के अनेक अर्थ हैं हम एक दो अर्थों पर विचार करें कल्याण का एक अर्थ है मंगल हर व्यक्ति मंगल चाहता है अमंगल नहीं चाहता और जो भी शुभ काम करता है तो पहले मंगल की व्यवस्था करता है शब्दों में भी उच्चारण मंगल का करता है न्यास भी करता है रेखांकन करता है सब मंगल के लिए करता है तो वे चरण पार्श्व के चरण वे कल्याण करने वाले हैं मंगल करने वाले हैं अमंगल का परिहार करने वाले हैं कल्याण शब्द का दूसरा अर्थ करें तो आरोग्यम वे आरोग्य के मंदिर है सेवा भावी कल्याण केंद्र जैन विश्व भारती में है कल्याण मंदिर है एक जैन आचार्य ने ग्रंथ लिखा कल्याण कारकम आयुर्वेद का ग्रंथ है कल्याणम आरोग्यम आरोग्य कारक है पार्श्व प्रभु के चरणों से जो निकलने वाली ऊर्जा है जो प्रकंपन है वे दे आरोग्य देने वाले हैं और इसीलिए आरोग्य के लिए उस ऊर्जा को ध्यान में रखकर अनेक स्तोत्र लिखे गए उदाहरण रूप में ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाए दुरीतम अपहर अपहर अजिते अपराजिते महाबले मम शरीरम रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा आरोग्य का है स्वास्थ्य का मंत्र है जिसके आधार पर एक स्वास्थ्य के मंत्रों की रचना की और जिस मंत्र का अभी मैंने उच्चारण किया बहुत शक्तिशाली है प्रतिदिन सात बार इसका उच्चारण किया जाए तो शायद स्वास्थ्य के लिए बहुत सुविधा हो जाती है बहुत समस्याओं से आदमी बच जाता है तो ये चरण कमल ये कल्याणकारक है कल्याण के मंदिर हैं यानी अशिव को मिटाने वाले अमंगल को दूर करने वाले और स्वास्थ्य को देने वाले हैं दूसरी बात उदार कल्याण मंदिर मुदार उदार है उदार उदार का अर्थ है दाता दाता देने वाला है पार्श्व का जो चरण है वे देने वाला है मनोभिष्ट दाता मनोभिष्ट मन वांछित फल देने वाला है और इसी आधार पर अपनी कामना पूर्ति के लिए अभिष्ट की प्राप्ति के लिए शायद दसों मंत्र पार्श्व के आधार पर लिखे गए हैं चिंता को दूर करने वाला देने वाला इष्ट को देने वाला जो भी आदमी चाहता है उसके लिए वह कामना करता है प्राप्त हो जाता है और इसीलिए बहुत सारे मंत्रों का जप किया जाता है तीसरा विशेषण है अवध्य भेदी मैं चरण कमल की उपासना भक्ति या नमस्कार क्यों कर रहा हूँ उनमें अवैध को दूर करने की क्षमता है अवैध का भेदन करने वाला है अवैध का एक अर्थ होता है पाप पाप का भेदन करने वाला जो भी पाप है अशुभ है पाप का मतलब अशुभ अशुभ का भेदन करने वाला है जो भी अशुभ होता है उसे दूर करने वाला है और अवैध का और व्यापक अर्थ ले कि विघ्न बाधा को दूर करने वाला है विघ्न और बाधा को दूर करने वाला आदमी के जीवन में बहुत सारे विघ्न आते हैं बाधाएं आती हैं अगर पास में एक शक्ति हो तो वह विघ्नों को दूर कर सकता है बाधाओं को दूर कर सकता है जिसके पास कोई शक्ति नहीं वह विघ्न आने पर निराश होकर हताश होकर बैठ जाता है सिर कुशलता रहता है बाधा आती है और पैर ठिठुर जाते हैं किंतु जिस व्यक्ति के पास विघ्न और बाधा को दूर करने की शक्ति है वह विघ्नों को भी दूर कर देता है और बाधाओं को दूर कर देता है जयाचार्य ने विघ्न हरण की ढाल लिखी उसे एक संकेत दिया है कि होड़हारी बात नारी यानी इस विघ्न हरण की ढाल से बहुत सारे विघ्न समाप्त तो होते हैं कोई निष्ठय की बात तो अलग है नियति होती है उसे तो कोई ताल नहीं बड़ा कठिन होता है तालना किंतु और जो विघ्न और बाधा दूर हो जाते हैं गुरुदेव के कभी कभी स्वास्थ्य में विश्वास का और प्रकोप आदि होता था बहुत वर्ष पहले की बात मदन चंद जी गोठी आई सरदार शहर के एक श्रावक बृद्धिचंद जी गोठी के पुत्र जो प्रमुख श्रावक थे उनके पुत्र मदन चंद जी गोठी वे आगमों के बेटा रहस्यों के व्यता और आगम के रहस्यों का जानकार वैसा व्यक्ति मैंने कम देखा तत्व की बात नहीं तत्व की बात छोड़ दें किंतु आगम में क्या रहस्य है उसके बहुत जानकार थे गुरुदेव के पास आए बोले गुरुदेव मेरी एक प्रार्थना है कि आप विघ्न हरण की का प्रतिदिन पाठ करें गुरुदेव ने उनकी बात मान ली और शुरू कर दिया और जिस चौपनिये से गुरुदेव पाठ करते थे वह चौपनिया मेरे पास विद्यमान है भी। उसे पाठ करते थे और प्रतिदिन हरण की ढाल चलती थी तो यह हमारा ध्यान रहे कि हम धर्म के द्वारा विघ्नों को दूर कर सकते हैं जप करना भी धर्म का एक प्रकार है धर्म के अनेक प्रकार है उनमें जप करना धर्म का एक प्रकार है जप ध्यान स्वाध्याय स्वाध्याय के अनेक अर्थ हैं स्वाध्याय का एक अर्थ है ग्रंथों को पढ़ना किंतु पतंजलि ने या पुराने अनेक आचार्यों ने स्वाध्याय का अर्थ जप किया है मंत्र जप है स्वाध्याय स्वाध्याय का अर्थ है जप करना तो जप के द्वारा हम कर सकते हैं क्योंकि जप के द्वारा मंत्र के उच्चारण के द्वारा हम एक प्रकंपन पैदा करते हैं और हमारा संसार क्या है सारा जीवन प्रकंपनों का खेल है प्रकंपन प्रकंपन अनिष्ट प्रकंपन आते हैं तो आदमी बीमार हो जाता है और इष्ट प्रकंपन आते हैं तो आदमी स्वस्थ हो जाता है आगम में एक आता है यक्षावेश यक्षावेश जिसको कहते हैं भूत लग गया प्रेत लग गया अब भूत क्या लगता है भाष्यकारों ने बहुत सुंदर व्यवहार भाष्य और बृहद कल भाष्य के कारों ने बहुत सुंदर विवेचन किया है कि जब वह कोई प्रेत आत्मा कुपित होती है तो एक व्यक्ति में अनिष्ट पुद्गलों का प्रक्षेपण कर देती वह अनिष्ट पुद्गलों का प्रक्षेपण वह, वही है आवेश वही है भूत का लगना और अगर हम मंत्र आदि के द्वारा उन अनिष्ट पुद्गलों को बाहर निकाल दें और इष्ट पुद्गलों का प्रक्षेपण कर दें तो आदमी स्वस्थ हो जाता है ठीक हो जाता है तो बहुत महत्वपूर्ण बात आचार्य ने कही है कि अवध्य भेदी पाप को दूर करने वाला अशुभ को दूर करने वाला अनिष्ट को दूर करने वाला विघ्न और बाधाओं को दूर करने वाला आपके चरण से जो उर्मियाँ निकलती है जो रश्मियाँ निकलती है जो ऊर्जा निकलती है और जो प्रकंपन निकलते हैं वे विघ्न बाधाओं को अनिष्ट को सब दूर कर देती हैं इसलिए मैं आपके चरण कमल को नमस्कार करता हूं चौथी बात भीता भयप्रदम भीता भयप्रदम आपके चरण में वह शक्ति है कि जो डरे हुए लोग हैं उनको अभय देते अभय दोनों अर्थ हम ले सकते हैं एक तो जो संसार से डरे हुए हैं उनको भी अभय देते हैं और वैसे डरे हुए हैं जहाँ भी चिंता डर आता है और ऐसे पार्श्व के मंत्र हैं कि जिनसे भय दूर होता है और सारा भय समाप्त होता है हमने स्वयं देखा ध्यान का प्रभाव देखा मंत्र जप का प्रभाव देखा कि आमेट में पूज्य गुरुदेव चतुर्मास कर रहे थे काफी वर्ष पुरानी बात है ध्यान का शिविर चल रहा था शुरू होने वाला था और चल ही रहा था पहले से महाराष्ट्र से एक परिवार आया जयसिंहपुर अपना प्रसिद्ध क्षेत्र है अच्छा क्षेत्र है वहाँ से एक परिवार आया और बोला कि हमारी एक समस्या है कि छोटी बहू है उसको डर बहुत लगता है दिन रात डरती है अकेली भी डरती है सबके बीच में बैठी भी डरती है अंधेरे में भी डरती है प्रकाश में भी डरती है डर ही डर लगता है क्या करें हमने कहा शिविर में प्रयोग करो देखो क्या होता है शिविर में रह गई प्रयोग किए ध्यान के प्रयोग अनुप्रेक्षा के प्रयोग जब मंत्र के प्रयोग दस दिन के बाद जब जाने लगे तो मैंने पूछा बोलो क्या स्थिति है तो उसने स्वयं भी कहा परिवार वालों ने कहा कि लगभग 80 नब्बे प्रतिशत भाई समाप्त हो गया थोड़ा बहुत रहा है बाद में अब प्रयोग करेंगे समाप्त हो जाएगा तो उन चरण कमलों में आचार्य ने कहा कि प्रभु जो डरे हुए लोग हैं उनको अभय देने की क्षमता है भीता भय प्रदम अभय देने वाले हैं एक विशेषण पांचवा अनिंदितम मैं उन चरण कमलों को नमस्कार करता हूं जो निंदित नहीं है कोई आदमी थोड़ा ये जो निंदा हो पैरों की क्या निंदा होगी किंतु हम रहस्य तक जाने का प्रयत्न करें अनिंदितम यानी ऐसे चरण हैं जो रचना की दृष्टि से बिल्कुल निर्दोष हैं अनिंदितम निर्दोषम अणुमात्र भी दोष नहीं है पैरों की रचना का बड़ा एक महत्व होता है पैरों की रचना एक पैर की रचना दोषपूर्ण होती है तो उसका शरीर भी अच्छा नहीं रहता दिमाग भी अच्छा नहीं रहता और भाग्य भी अच्छा नहीं रहता और एक पैरों की रचना ऐसी होती है निर्दोष जिस पैर को देखकर और बताया जा सकता है कि इस व्यक्ति का भाग्य कैसा है चिंतन कैसा है कैसा होने वाला है अनिंदितम प्रभु आपके चरण कमल कैसे हैं अनिंदित है रचना की दृष्टि से निर्दोष कोई दोष नहीं है आप निंदा का मतलब नहीं लें यहाँ कोई व्यक्ति थोड़ी है जो काम की निंदा करेगा जो जानकार है उन्हें गहराई में जाना चाहिए धातु है निधि कुत्सायाम कुत्सित कुत्सित है है पैर कुछित नहीं है एकदम व्यवस्थित है जहाँ उंगुलियाँ तल सारा पैर कैसा होना चाहिए कर्मोन्नतम आगम साहित्य में पैरों का बहुत वर्णन किया है हम आगमों को ध्यान से पढ़ें तो इतना लाभ उठा सकते हैं इतने रहस्य हैं आगमों में और इतनी विधियाँ हैं। थोड़ी अनुप्रेक्षा के साथ गहराई के साथ पढ़े कूर्मोन्नतम पैर चिपटा हुआ नहीं होना चाहिए कछुए की तरह उन्नत होना चाहिए बहुत लोग आते हैं मुझे पूछते हैं कि आपके पैर के सूजन है मैंने कहा सूजन है नहीं पता नहीं आज सैकड़ों वार क्या कई सैकड़ों वार कितनी बार कोई भी आता है कि आपके पैरों के सूजन है मेरे सूजन बिल्कुल नहीं है मेरे तो न पैरों में न मन में नहीं भी नहीं सूजन नहीं है ये तो रचना ही ऐसी है कि पैर उभरा हुआ है उन्नत है तो पैर पैर की रचना का बड़ा एक महत्व वैसे तो शरीर की हर अवयव की रचना का एक अलग पहचान होती है और इसी आधार पर अंग विज्ञा एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ बना है अंग विज्ञा अंग की रचना का कि हाथ कैसा है अंगुलियाँ कैसी है पैर कैसा है पैर की अंगुलियाँ कैसी है अंगुलियाँ मिलती है या नहीं मुझे याद है एक कोई आया था अच्छा ज्योतिर्विद आचार्यवर से आचार्य तुलसी से पूछा कि गुरुदेव आपकी अंगुली दिखाएं, अंगुली मिलती है कैसे रहती है अंगुली देख कर उसने बहुत सारी बातें बताई तो हमारे शरीर के हर अव की रचना का एक शास्त्र है पूरा अंग शास्त्र जिसके आधार पर कै हाथ की रचना पैर की रचना अंगुलियों की रचना कानों की रचना गुरुदेव के शरीर की रचना अद्भुत थी कानों की भी अलग थी गुरुदेव पिहार कर सरदार सर पधार रहे थे मर्यादा महोत्सव शायद सरदार सर करना था रतनगढ़ से बिहार हुआ वहाँ बीच में गांव आता है गुलेरिया एक ख्याल क्या खिलेरिया उसमें बीच एक गांव आता है ब्राह्मणों का मल मलेसर मालेसर या कुछ जो ब्राह्मणों का गांव है मेणुसर हाँ मेणुसर जहाँ कोई पुराने ज़माने में जौहर हुआ था वहाँ कोई ठहरते भी नहीं है मेलू सर वहाँ जब गुरुदेव मेलू सर के पास पधार रहे थे तो एक ब्राह्मण आया आया हुआ था बाहर से आया हुआ उस गांव में आया गुरुदेव को देखा देखकर बोला कि आचार्य जी आप बुद्ध जैसा काम करेंगे महात्मा बुद्ध जो भगवान महाराज के समय हुआ था कि आप बुद्ध जैसा काम करेंगे हमने पूछा कारण कि ऐसे कान या तो मैंने बुद्ध के देखे या आपके देख लो आप बुद्ध जैसा काम करेंगे तो मैं जो कह रहा था कि हर अवयव की रचना और उसका प्रभाव अलग प्रकार का होता है तो आचार्य ने ठीक कहा कि अनिंदितम प्रभु आपके चरण अनिंदित है इतनी सुंदर रचना हुई है निर्दोष है। निंदाकार या निंदा नहीं निर्दोष अनिंदित मतलब निर्दोष जिसमें अनुमात्र भी दोष नहीं है इतनी निर्दोष रचना है कि जिसके आधार पर बहुत प्रभाव हो सकता है अब एक और विशेषण पोतायमान मैं आपके चरणों को क्यों नमस्कार करता हूँ कि ये चरण तो जल पोत है आपके चरण क्या है जल पोत जो व्यक्ति दुखों के सागर में समस्याओं के सागर में समुद्र में या भव सागर में जो एकदम दुखी हो रहा है डूब रहा है उससे उबारने के लिए ये आपके चरण क्या है ये तो जहाज है जलपोत है हैं इसलिए मैं इन चरणों को नमस्कार करता हूँ अब आप हम समझ सके हैं कि तो आचार्य ने चरणों को नमस्कार फालतू व्यर्थ नहीं किया है इतनी विशेषताएं देखी है अब एक एक विशेषता पर फिर ध्यान दें कि वे चरण कल्याण मंदिर है दूसरी बात अवध्य भेदी है उदार है दूसरा तीसरी बात अवध्य भेदी है और भीता भय प्रद है अनिंदित है और जल है अच्छा आगे ना है। मंदिर। मुदार है अवध्य भेदी गीता भयप्रद अनिंदित है छह छह ये छः बातें बताई कि ये छः गुण मैं आप बता रहा हूँ केवल आपके पैरों में छः गुण और भी पता नहीं कितने हैं फिर एक श्लोक में दो श्लोक में कितना बताऊँगा किंतु ये छः बातें ऐसी बतलाई है जो आदमी के जीवन को संवारने वाली अभ कुछ मंगलमय बनाने वाली है ऐसे चरणार बिंदों को नमस्कार कर मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ इतने पवित्र चरणों का नमस्कार करता हूँ तो मुझे विश्वास है कि मेरी स्तुति बहुत सार्थक होगी अभी तो बाकी है कि स्तुति के बारे में कुछ कहना है वह वक्तव्य शेष है ओम आर ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नम